अभी से पूछो नाम क्या है। इनके नाम दो है जो की जरूरत नहीं। इसका टाइटल है द बेस्ट पर्च। ओके द बेस्ट पर्च। हम जी जो बच्चे के लिए जो फादर जी हां के साथ जो बच्चा ये पता है क्या है चुपके पाटने कर दे जो हमने पेटी में अपना कर सीमा जयरत उस्ताद शमशेर सिंह रेणुका सोंदी गुलाटी। इतना लंबा नाम क्यों? मेरा नाम रेणुका सोंदी गुलाटी है और मैं पेंटिंग और स्कल्पचर दोनों करती हूँ। कितने समय से? मुझे 8-9 साल हो गए दिल्ली में अब ये काम करते हुए। मेरे को बचपन से ही बहुत शौक था आर्ट करने का और फिर मैं 8-9 साल पहले जब दिल्ली आई तो मैंने ये त्रिवेणी कला संगम में स्टार्ट किया और स्कल्पचर और पेंटिंग करना। अभी तक कितनी प्रदर्शनी? मेरे काफी सोलो शोज हुए हैं और काफी ग्रुप शोज भी हुए हैं। कोई 6-7-8 मेरे सोलोज हुए हैं और ग्रुप शोज तो बहुत सारे हुए हैं। बाहर भी हुए हैं। आर्ट बेनियल में मेरा अवार्ड आया था और बाकी मेरे सिलेक्ट हो रहे हैं वर्क्स। आप जो विषय चुनते हैं जब आप कला को करते हैं तो किस तरह के भावों को लेकर आगे बढ़ने की इच्छा होती है? मेरा हमेशा से जो ज्यादा काम रहा है फीमेल फॉर्म के साथ रहा है और मेरे स्कल्पचर्स जो हैं वो उसी को मैंने ज्यादा काम किया। पर अभी मैंने जो रिसेंटली काम किया है लास्ट 1-2 सालों से उसमें मैंने द हीलिंग टच सीरीज से स्टार्ट किया था जिसमें मैंने चारकोल में स्टार्ट किया था विद फिंगर्स एंड हैंड्स कि जो हमारा एक दूसरे के साथ जो जिस तरह से हम टच करते हैं जैसे एक मदर का टच है या एक फैमिली में जो है भी उसमें कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम हो लाइफ में लेकिन आप एक आपका जो टच की इम्पोर्टेंस है जैसे एक डॉक्टर पेशेंट के साथ डील करता है तो वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उसी चीज को माइंड में रखते हुए मैंने काम किया। तो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं द प्रेयर वे साइलेंट प्रेयर्स इस तरह के सब्जेक्ट्स मैंने चुने काम करने के लिए और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पॉलिटिकल इशू को भी दिमाग में मेरे आया तो मैंने किस्सा कुर्सी का एक पेंटिंग बनाई थी जिसे मैंने एक कुर्सी को दर्शाया था और चारों तरफ से हाथ उसमें दिखाए थे जो कि भी कुर्सी का जो महत्व है वो इतना इम्पोर्टेंट सबको लगता है। कोई छीन लेना चाहता है कोई छोड़ देता है कोई पकड़ के बैठ जाता है तो इस तरह से शौक के रूप में ले रहे हैं या प्रोफेशनली? शौक तो मेरा ये है ही है पर अब तो मतलब प्रोफेशनली भी मैं यही करती हूँ। तो क्या ये सफिशिएंट
आर्ट से आप सोर्स ऑफ इनकम को एज सच रिलेट नहीं कर सकते. मैंने मतलब इस तरह से आप नहीं सोच सकते कि आर्ट के ऊपर आप डिपेंड करेंगे. पर हाँ, जब आर्टिस्ट जैसे जैसे ग्रो करता है तो उसका नाम होता है, उसका काम भी बिकता है, लोग पहचान उसकी बनती है हर जगह, और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और सोसाइटी भी उसको इनकरेज करती है. आज आपके एग्जीबिशन की ओपनिंग पर शमशेर सिंह जी आए हुए हैं, जो काफी जाना माना नाम है संगीत दुनिया में. हाँ जी, किस तरह से लेते हैं शमशेर जी को, कितना अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमारे शो में आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और कि इन्होंने आके हमें साहब हमें साथ दिया है. तो बहुत अच्छा लगा कि भाई एज ए म्यूजिशियन ऑल्सो इन्होंने आर्ट में इंटरेस्ट दिखाया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा. उस्ताद शमशेर सिंह जी, संगीत से और कला के क्षेत्र में आप आए हैं, तो कैसा? वेल, ऐसा है कि मुझे बहुत खुशी मिलकर संगीत, नृत्य, कविता और दृश्य जो इन्होंने दिखाए हैं, तो ये भी एक संगीत का एक अंग है, और इसमें मैं मिस गुलाटी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. और मैंने एक आगे के लिए इनके लिए प्रपोजल भी रखा है कि हम लोग ऐसा कुछ करें कि मैं कुछ गुनगुनाऊं तो उसे आप अपने कलम के द्वारा चित्रों में उसे उतारें आप, तो और अच्छा लगेगा आने समय पर. फिलहाल जो मैंने देखा है इनका, खास करके जो वहाँ पे जो स्टैचू देखा है और वो माँ का प्यार कैसे लोरी दे रही है, तो वो बहुत अच्छा एकदम दर्शाया. आजकल तो लोग भूल गए ये, लेकिन थैंक यू वेरी मच. इनके सुख भविष्य के लिए यही है कि ये अपने जैसे इन्होंने चित्र बनाया, पीछे देख रहे हैं आप, मुझे जो समझ आया कि ऐसा है कि ये एकता के लिए है कि मेरा भारत देश है चंगा, इसको इस तरह एक उंगली टू उंगली, हैंड टू हैंड छोड़ के लिखे. बहुत बढ़िया राष्ट्रगीत भी लिख रहे जी. दो लाइन उसकी जरा हो जाए. अच्छा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा हो, द्राविड उत्कल बंगा, मेरा भारत देश चंगा, इसके खेतों की फसलों में हरियाली लहराए, गंगा जमुना सतलुज व्यासा इसकी प्यास बुझाए, मेरा भारत देश चंगा, हो मेरा भारत देश चंगा. सब इसके अंग हैं ये. कम एवरीबॉडी हियर अर्जुन. सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, मेरा भारत देश चंगा, हो मेरा भारत देश चंगा, इसके खेतों की फसलों में, इसके खेतों की फसलों में हरियाली लहराए, गंगा जमुना सतलुज प्यासा इसकी प्यास बुझाए, मेरा भारत देश चंगा, मेरा भारत देश चंगा, इसकी रक्षा करे हिमालय ऊंची छाती करके, जेकर दुश्मन सामने आ जाए बस देता है फड़के, इसकी रग रग में बसता है हो, इसके पिता है ब्रह्म पुत्र और माता है श्री गंगा, गंगा ओ शाइना गुप्ता. शाइना जी, जो आपके पीछे पेंटिंग लगी हुई है उसमें पक्षी दिखाए गए हैं, वो अपने बच्चों को हाँ जी दाना खिला रही है, भोजन दे रही है, तो ये भावना में क्या आप शो करना चाहते हैं? इसमें शो यही करना चाहते हैं, माँ आई है और माँ ने अभी पाँव भी नहीं रखा है डाल पे, और बच्चे पहले ही मुंह खोल के खड़े हैं, जो पीछे है उसने ज्यादा मुंह खोल रखा है कि मैं भी हूँ, पहले मुझे मिल जाए, और अगला वाला बहुत शांति से बैठा है कि मुझे तो मिल ही रहा है, और बच्चों की ईगरनेस, उनकी
एक्साइटमेंट दिखाई है कि जब माँ आती है तो माँ से मिलने की खुशी और दाना मिलने की खुशी दोनों। समय से आप पेंटिंग कर रहे हो और ये शौक आपको कैसे हुआ? मुझे काफी टाइम हो गया है, 15 साल हो गए हैं पेंटिंग करते हुए। हाँ जी, और शौक शुरू से ही था, बचपन से ही था। और आपकी जो मन में भावना है, क्या करना चाहते हैं, मुकाम को, आपकी मंजिल को? मंजिल यही है, अभी शुरुआत हुई है, पहली एग्जीबिशन है। पहले घर पे ही करते थे, एमेच्योर थे, अब प्रोफेशनल तरीके से शुरू किया है करना। थैंक यू सो मच। हाँ जी, वो लाइटें बंद हो रही हैं। मैं रश्मि खुराना, और अलग अलग रंगों में काम करना पसंद करती हूँ। कितने समय से पेंटिंग कर रही हूँ? जब से होश संभाला है, बट ज्यादातर 10 साल से। और ये जो कलर का चयन करते हैं आप, अलग अलग विषय पर पेंटिंग्स बना रहे हैं, भाव क्या है? भाव है कि जो हमारी अंदर की फीलिंग्स आती हैं, हम जगह जगह घूमने जाते हैं, अलग अलग रोज लोगों को मिलते हैं, तो उनसे ही जो इंटरेक्शन से जो हम सीखते हैं, और रोज के रोज जो हमारे रंग आते हैं जिंदगी में, वही सब हम इस पे दर्शाने की कोशिश करते हैं कि ये रंग लोगों को खुशी दे सके। अल्टीमेट गोल इसके बिना अब नींद नहीं आती, मतलब इतनी खुशी मिलती है ये करके कि जैसे ये एक्सप्रेस करने का हर एक अपना तरीका है, कोई लिख के करता है, कोई गा के करता है, जैसे ये अभी गा रहे थे, इसी तरह हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका है रंगों से खेलना, रंगों को कैनवस पे उतारना। इसको देखते हैं, कोई दूसरा भी खुश होता है, हम भी खुश रहते हैं। शुक्रिया बाजी। सीमा जयवरत, अभी इस पेंटिंग पे रिसेंटली मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर से अवार्ड मिला है, 100 ईयर्स ऑफ दिल्ली में। एंड और क्या बोलूं, मैं एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ और मार्केटिंग की हेड रह चुकी हूँ बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, और पिछले 3-3.5 साल से पेंटिंग कर रही हूँ। ये मेरा सेल्फ डिस्कवर्ड पैशन है। जो एग्जीबिशन लगी है, कितने समय तक चलेगी और आपको क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद यही है कि पेंटिंग्स अप्रिशिएट होनी चाहिए। हर आर्टिस्ट अपनी जान डाल के पेंट करता है, और कदरदार मिलने चाहिए। आज आपके कदरदार संगीत सम्राट उस्ताद शमशेर सिंह के साथ पैक करवा दूं तीनों तीनों पैक करवा दूं। कैसा लग रहा है शमशेर जी आपके साथ? बहुत अच्छा लग रहा है, ये आए, हर पेंटिंग पे इन्होंने समय बिताया है, इट्स वेरी नाइस ऑफ हिम। एंड मतलब कि गैलरी क्लोज होने वाली है और फिर भी हम लोग खड़े हुए हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जी हमारी पेंटिंग्स देख के जाइए, तो इनकी अप्रिसिएशन से वी आर फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा जी, जहाँ मुझे चाहिए आप मुझे बुला लीजिए, जहाँ मैं आपको आप मुझसे ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये सारी मेरी सूफी से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं, इसमें मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ डिपिक्ट किया मैंने, तो प्लीज हैव अ लुक। मैं कर तो बचपन से रही हूँ, लेकिन मिसेस रुकी चैटर्जी के यहाँ से मैं 3 साल से सीख रही हूँ जी। वो मेरी पेंटिंग से भी आप देख सकते हैं कि मुझे स्पिरिचुअलिटी और ये सब का, मेडिटेशन का बहुत शौक है, सो उसी में मैंने डिपिक्ट किया। शौकी है मैं कहूँगी, ज्यादा प्रोफेशन इसको बना रही हूँ, शौकी आप करके। आज मैं मौजूद हूं आईफेक्स गैलरी में रफी मार्ग पर। यहां पर शुरुआत हुई एक चित्र प्रदर्शनी की, जिसको विभिन्न कलाकारों ने तैयार किया है, जीवन के अलग अलग रंगों को दर्शाती ये सुमधुर चित्र प्रदर्शनी में आप देखेंगे कि कुछ कुल मिलाकर 7 कलाकारों ने पार्टिसिपेशन किया है, और कुछ कलाकार यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक काफी देर तक बैठे हैं। आज पहला दिन था प्रदर्शनी का, और जिस तरह से लोगों ने प्रशंसा की है, इसमें माँ का अपने बच्चों से प्यार दिखाया गया है, प्रकृति से प्रेम दिखाया गया है, आपसी एकता और अखंडता के बारे में कई मैसेजेस चित्रों को देखने से मिलते हैं। और दोस्तों, ये प्रदर्शनी 2 सितंबर तक चलेगी। अगर आप कहीं भी हैं और आपको कला से है प्रेम, तो यहाँ आना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आईफेक्स गैलरी रफी मार्ग पर प्रदर्शनी 2 सितंबर तक जारी रहेगी। दिल्ली से बॉलीवुड सिने रिपोर्टर के लिए वीके शर्मा।